इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले का इंतजार पूरी दुनिया कई हफ्तों से कर रही थी, वह बीते 25 अक्टूबर 2024 को पूरा हो गया। इसराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमलों की बौछार कर ईरान से बदला चुकता कर ही लिया। खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने वॉर रूम में बैठकर इस हमले पर अपनी पैनी नजर रखी। साथ ही ईरान को चेतावनी भी दी कि हिसाब बराबर हो गया है, अगर ईरान इसराइल के पलटवार पर फिर से हमला करता है तो इसका अंजाम इससे भी खतरनाक और भयंकर होगा, जिसकी कल्पना ईरान ने भी अपने जहन में भी नहीं की होगी। इस बीच इसराइली हमले को लेकर ईरान को कई देशों का साथ मिलता नजर आ रहा है। सऊदी अरब के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी अपना समर्थन जताया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर इसराइली हमलों की निंदा की। तालिबान ने कहा कि इससे मिडिल ईस्ट में हिंसा बढ़ेगी, हालात बेकाबू होंगे और ईरान पलटवार कर इसराइल को सबक सिखाएगा। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमले इलाके में हिंसा को बढ़ाने की एक कोशिश है, जो इलाके में प्रतिकूल हालात को जटिल और तेज बना रहे हैं। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अफगानिस्तान ने ईरान का समर्थन किया है। हमास नेता इस्माइल हानिये, हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला की मौत के बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर मिसाइलों से धावा बोला था, जिस पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने खुलकर तेहरान का साथ दिया था। तालिबान ने तो यहाँ तक कहा था कि इसराइल एक जालिम मुल्क है, मुस्लिमों पर जुल्म कर रहा है। ईरान ने हमला करके बहुत ही सही कदम उठाया है। खास बात यह है कि ईरान एक शिया देश है और तालिबानी सुन्नी है, बावजूद इसके अफगानिस्तान ने खुलकर तेहरान का साथ दिया। गौरतलब है कि ईरान और इसराइल के बीच जंगी हालात के चलते सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को फायदा हो रहा है। अफगानिस्तान पर इस समय डॉलर्स की बरसात हो रही है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है, लिहाजा इंटरनेशनल फ्लाइट्स अफगानिस्तान से होकर गुजर रही है। एशिया और यूरोप के बीच बहुत सारी फ्लाइट्स अफगानिस्तान के आसमान से जाने लगी हैं। ईरान ने बीते 1 अक्टूबर को 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ इसराइल पर हमला बोला था। इसके बाद से कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स अफगानिस्तान से होकर गुजरने लगी, जिससे अफगानिस्तान की चांदी चांदी हो गई। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ईरान पर इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 पहुंच गई है। मारे गए सभी लोग सैन्य हवाई ठिकानों से जुड़े थे। इन हमलों के बाद इजरायल ने अपनी रक्षा प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अपने मिशन के जरिए दावा किया है कि इजरायल के युद्धक विमानों ने इराकी हवाई क्षेत्र से ईरान पर हमला किया है। साथ ही ईरान ने इस हमले में अमेरिका की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है।